चूरू कलेक्टर को ज्ञापन देकर वह धरना प्रदर्शन करके कोविड स्वास्थ्य सहायक ANM ने नियुक्ति की मांग की। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन से जुड़े अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिले में वंचित रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नियुक्ति देने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जिले में 304 ANM की नियुक्ति होनी थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने GNM एवं BSc नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ में मेरिट चयन सूची जारी कर दी, लेकिन अभी भी ANM के उपस्थापन नहीं दिया गया। कलेक्टर महोदय से 5 दिन पूर्व आश्वासन दिया गया था कि आपकी कार्यग्रहण सूची 3 दिन में निकाल दी जाएगी, उसके बाद ही कलेक्टर महोदय ने संज्ञान नहीं लिया। CMHO से बात करने पर बताते हैं कि परिवेदना का निस्तारण करके सूची निकाल दें, लेकिन परिवेदना का समय पिछले 10 अगस्त को समाप्त हो गया था। ज्ञापन के जरिए जिले में 304 पद पर ANM को पद स्थापन कर नियुक्ति देने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा गया है कि अगर बुधवार तक नियुक्ति नहीं देते हैं तो ANM अभ्यर्थियों द्वारा कलेक्टर परिसर के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाने के लिए ANM अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन ने रोका, जबरदस्ती उन्हें परिसर से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के प्रदेश सचिव रणवीर चोपड़ा मौली सर के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष राकेश नोल, नरेश सैनी, लालचंद सावा, डॉक्टर राहुल कसवा, प्रियंका शर्मा, मोनिका, सुमन गोस्वामी, सुबिता, पूजा गुर्जर, अनिता बाबल, किरण जोया, सुमन मेघवाल, अनिता सुलोचना, रेखा आदि शामिल थे। सर की तबीयत खराब थी, इसलिए आपने आपने कलेक्टर महोदय को धरने का बोला तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कलेक्टर ने ऐसे बोला, ये बोलो बोलो। हमने बोला कि हम सर 160 किलोमीटर से आते हैं, सर ने कहा हमें इससे मतलब नहीं है। कलेक्टर साहब ने हमें बोला कि इससे हमें मतलब नहीं है, आप कहाँ से आते हो, कैसे आते हो, आपको जॉब चाहिए तो हमें आश्वासन तो दो आप।